सब हमारे माँ बाप जैसे हैं, जैसे आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कोई सपना देखा होगा, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन मैं बता दूँ, ये हरियाणा सरकार डॉक्टर्स के बिल्कुल खिलाफ हो रखी है। हमारे एडमिशन के लिए, जहाँ हम नीट के लिए दिन रात जा कर इतनी मेहनत करते हैं, हम इतने नंबर लेके आते हैं ताकि हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, पीजीआई में जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में आने का सपना होता है। लेकिन सरकार ने 40 लाख रुपए का ऐसा थप्पा हमारे ऊपर थोपा है कि हम लोग अपनी मेरिट के बेस पे नहीं, पैसों के बेस पे यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आप लोग बताइए, बाप जी, क्या आप अपने बच्चे के लिए 40 लाख रुपए देके यहाँ पे एडमिशन कराएंगे? क्या 40 लाख रुपए हमारी मेरिट, हमारी मेहनत से इतने ज्यादा बड़े हो गए? आज सरकार अंधी फैरी बैठी हुई है, हमारी बात नहीं सुन रही है। आप सबको मैं जागरूक करना चाहती हूँ कि आप इतनी दूर दूर से यहाँ पर भी जाइए, बस में इलाज के लिए आते हैं, कितने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर है। सबके घर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, आसपास इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन आप PGIMS में ही क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको एक आशा होती है, यहाँ पर आपको एक उम्मीद होती है कि यहाँ से अच्छा इलाज कहीं नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने जो ये 40 लाख रुपए की नीति लेके आ रखी है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नो मेरिट वाले ही स्टूडेंट आएंगे। जिनके पास मेरिट है वो नहीं, जिनके पास पैसा है वो आएगा। अब आप देख लो, इतने सारे पैसे देने के बाद तो सारे पैसे आपसे ही निकल पाएंगे। जहाँ यहाँ शिक्षा को सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब बोले तो प्राइवेट करना चाहते हैं।